बिजली की समस्याओं से राज्य में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र भी प्रभावित होता रहा है। ऐसे में पावर कट की समस्या को लेकर झारखंड राज्य को 29 दिसंबर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां मुख्यमंत्री एक सब स्टेशन और एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिससे रांची और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा। साथ ही हटिया सब स्टेशन के ऊपर से लोड भी कम होगा। बता दें कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के बाद जीरो पावर कट से निजात मिल सकती है। ये हमारा जो झारखंड ऊर्जा संचयन निगम लिमिटेड के अंतर्गत दो ग्रिड, जिसमें कि एक 400/220 kVA का ग्रिड हमारा पतरातू में बन रहा है, वो हजारीबाग प्रक्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा ग्रिड होगा JSNL का, अब तक का सबसे बड़ा ग्रिड। झारखंड ऊर्जा संचयन निगम जो झारखंड सरकार का एक उपक्रम है विद्युत के क्षेत्र में, आप लोगों को पता होगा, तो उससे क्या है कि हमारा रांची जो राजधानी राष्ट्र राज्य की राजधानी रांची और शहरी क्षेत्र रांची प्लस रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उसके लिए एक रांची के बिल्कुल पास उसको हम लोग रातू बोलते हैं, रातू पतरातू लाइन बना है, संचरण लाइन 220 kV क्षमता का डबल सर्किट, और हमारा एक ग्रिड का भी निर्माण हुआ है जो कि उस जगह को बुरमू बोलते हैं, जो रांची से लगभग 25 किलोमीटर रांची राजधानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, उस ग्रिड को विद्युत आपूर्ति होगी पतरातू के ग्रिड से। और उससे क्या होगा कि हमारा जो हटिया का जो ग्रिड है जो कि पुराना भी हो गया है, उसका कुछ भार कम हो जाएगा, लगभग 60 से 70 मेगावाट इसका भार कम होगा, और उधर से बुरमू ग्रिड से हम लोग राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इससे निश्चित तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड सरकार के लिए, और आप लोग जानते हैं कि अभी झारखंड सरकार का जो कार्यक्रम है बिजली के क्षेत्र में प्रगति का, उसमें हम लोग प्रतिबद्ध हैं नियमित बिजली आपूर्ति 24/7 जो कह लीजिए, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए रहते हैं दिन रात कि विद्युत व्यवस्था निर्बाध चलती रहे। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।